हेलो एवरी वन माई नेमी चंदन सिंह एंड वेलकम टू माई चैनल सो गाइज न्यूज पेपर फ्रेजेस देखते हैं गाइस देखिए गाइस यहाँ पर एक मिनट जरा देखिए मैंने आपके लिए पांच फ्रेजेस यहाँ पर इकट्ठे किए हैं दो और ये रहा तीन एक उधर है एक इधर है पाँच है चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि के के आर विल ऑल्सो बी टेम्पटेड टू गो इन विद सिक्स स्पेशलिस्ट बॉलर्स मैं आपको सिखाने वाला हूं ये जो आप देख रहे हैं ना बी टेम्पटेड टू तो बी टेम्पटेड टू का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे स्पोकन इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं ये जो बी है दोस्तों इस बी का मतलब है इज आर एम वॉज वर ये सब आप बी के अंदर डालेंगे ओके विल बी शैल बी ये सब आप डालेंगे तो अगर मैं बोलूं कि आई एम टेम्पटेड टू यानी कि मैं ललायित हूँ किसी काम को करने में बड़ा इच्छुक हूं इंटरेस्टेड हूं मैं चाहता हूँ कि मैं उसे करूँ मैं बोलूँ कि आई एम टेम्पटेड टू मीट दैट गर्ल सो आई एम टेम्पटेड टू मीट दैट गर्ल यानी कि मैं ललायत हूँ टेम्पटेड हूँ उस लड़की से मिलने के लिए मैं इच्छुक हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं मिलूँ उससे तो टेम्पटेड यानी कि मेरी इच्छा है आई एम टेम्पटेड शी इज टेम्पटेड टू ज्वाइन दैट जॉब वो टेम्पटेड है वो ललायत है वो उसकी इच्छा है आप ललायत अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो टेम्पटेड का मतलब है कि शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग समबड़ी इज इंटरेस्टेड टू डू समथिंग तो वो टेम्पटेड है बंदा ओके तो वहाँ पर आप टेम्पटेड का इस्तेमाल करते हैं हालांकि टेम्प्ट वर्ड का मतलब बिल्कुल लालच वाला भी हो जाता है तो यहाँ पर टेम्पटेड है कि बिल्कुल वो अट्रैक्टेड है उस चीज़ की तरफ तो आप टेम्पटेड का इस्तेमाल करते हैं ओके सो शी इज टेम्पटेड टू ज्वाइन दैट जॉब आई एम टेम्पटेड टू टू सम शूट्स ऑफ एक्टिंग कुछ एक्टिंग के शूट्स करने के लिए मैं टेम्पटेड हूँ आई एम टेम्पटेड टू मेक वन मोर शॉर्ट मूवी मेक और शॉर्ट मूवी बनाने के लिए टेम्पटेड हूँ तो आई एम टैम्प्टेड टू यू आर टेम्पटेड टू शी इज टेम्प्टू वी आर टैम्प्टेड टू आई वॉज टेम्पटेड टू आप ऐसे चेंज करेंगे आई विल बी टेम्प्टो टेम्पटेड टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि आप कुछ भी करने के लिए ललायित हैं इच्छुक हैं आप करना चाहते हैं तो आई एम टेम्पटेड टू ठीक है जी चले आगे देखते हैं देखिए यहां पर लिखा है इन द वेक ऑफ आपने सुना भी होगा इन द वेक ऑफ कंप्लेन रिपोर्ट्स ऑफ व्हीकल्स ऑनर्स फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम तो ये जो भी न्यूज हो मैं आपको इन द वेक ऑफ सिखाने वाला इन द वेक ऑफ क्या होता है काफी यूज होता है स्पोकन में भी आप कर सकते हैं देखिए कैस इन द वेक ऑफ अगर मैं ऐसे बोलूँ मान लीजिए कि कहीं पर कोई ब्लास्ट हो गया है ओके तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं काफ़ी वहाँ पर तैनात हैं तो ये पुलिस वाले तैनात किस चीज़ के बाद हुए हैं बॉम ब्लास्ट के बाद हुए बॉम ब्लास्ट अगर ये नहीं होता तो पुलिस वाले वहाँ पर तैनात नहीं होते तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ घटित हो जाए ओके को, कोई कहीं पर चोरी हो जाए डकैती हो जाए बॉम ब्लास्ट हो जाए बहुत सारे कंप्लेंट्स आ जाए और वो चीज़ के बाद कोई एक्शन हो तो हम बोलेंगे कि इन द वेक ऑफ फलाना इन द वेक ऑफ ब्लास्ट, इन द वेक ऑफ कंप्लेंट्स, इन द वेक ऑफ थेप्ट इन द वेक ऑफ मर्डर इन द वेक ऑफ दैट इंसिडेंट इन द वेक ऑफ दैट ड्रामा इन द वेक ऑफ द अर्थ क्वैक तो समझ में आ रहा है कि इन द वेक ऑफ का मतलब है कि उसके होने पर उसके परिणाम स्वरूप अब जो भी आप हिंदी में सोचें अंग्रेजों की तरह अगर सोचें तो मैं बोलूँ कि इन द वेक ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट

तो इन द वेक ऑफ इन द वेक ऑफ दैट रोड एक्सीडेंट ट्रैफिक पुलिस पुलिस ऑफिसर्स आर डूइंग देयर बेस्ट तो मैं सेंटेंसेस अपने मन से बना रहा हूँ आप भी इसको अपने हिसाब से बनाइए तो इन द वेक ऑफ आप समझ रहे कोई घटना घट जाए तो आप लगा दीजिए इन द वेक ऑफ दैट घटना तो so, ये हो गया कि इस घटना के होने पर इस घटना के तुरंत बाद क्या हुआ तो फिर उस चीज को दिखाइए इन द वेक ऑफ दैट इंसिडेंट गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन एक्शन तो उस इंसीडेंट के बाद उस इंसीडेंट के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है इन द वे ऑफ लॉर्ट्स ऑफ कंप्लेंट्स बहुत सारे कंप्लेंट्स के बाद उसके होने पर हिंदी देख रहे कैसे हिंदी आ रही है होने पर उसके परिणाम स्वरूप यानी कि अगर वो कंप्लेंट्स नहीं आते तो ये नहीं होता तो इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टेकिंग एक्शन गवर्नमेंट हैजन टेकन दिस स्टेप दैट स्टेप ऐसे हम बोलते हैं तो इन द वे ऑफ समझ में आ रहा है ठीक है आगे देखते हैं देखिए अगला है कीपिंग विद इन कीपिंग विद यहाँ लिखा है इनकीपिंग विदेशन इन इंडिया कोविड कर्व तो ये न्यूज पे ना जाते हुए सिर्फ इसको समझिए कि इन कीपिंग विद का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ मान लीजिए कि आपने कोई हेयर स्टाइल कराया you know? हेयर स्टाइल कराया आप आए तो अब सोसाइटी में जो हेयर स्टाइल चल रहा था और आपका जो हेयर स्टाइल वो बिल्कुल अलग है इट मीन्स कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो मैच नहीं कर रहा है और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के हेयर स्टाइल से आप बिल्कुल एक अद्भुत एक यू नो अजूबे आप दिख रहे हैं तो वहाँ पर कोई कह सकता है कि योर हेयर स्टाइल इज नॉट इन कीपिंग विद द हेयर स्टाइल ऑफ़ दिस सोसाइटी आई मीन सोसाइटी पीपल सॉरी सोसाइटी पीपल और द हेयर स्टाइल ऑफ़ द पीपल ऑफ़ द सोसाइटी ऐसे बोल दीजिए और मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने ऐसे जूते पहन लिए हैं जो आपके ड्रेस को मैच नहीं कर रहे हैं ओके ड्रेस आपका कुछ और है जूते आपके कुछ और हैं तो कोई कह सकता है कि योर शूज आर नॉट इन कीपिंग विद योर ड्रेस अगर आपके जूते भी वैसे हैं जैसा आपका ड्रेस है मैच कर रहा है तो कोई बोलेगा कि ओ योर शूज आर इन कीपिंग विद योर ड्रेस समझ में आ रहा है तो इन कीपिंग विद का मतलब है कि उसके अनुरूप उसके अनुसार मान लीजिए कि आपके कमरे के दीवार का रंग कुछ और है और आपने अपने घर में कोई अलमीरा खरीद लिया और उसका रंग कुछ मज़ा नहीं आ रहा है कुछ वो उससे मैच नहीं कर रहा होना होना चाहिए ना कि उसके अनुसार सब कुछ होता है कलर का बहुत ख्याल रखते हैं तो कोई क्या बोलेगा कि दिस अलमीरा इज़ नॉट इन कीपिंग विद द कलर ऑफ़ द वॉल तो दिस अलमीरा इज़ नॉट इन कीपिंग विद द कलर ऑफ द वॉल कि ये अलमीरा वैसा नहीं जैसे वॉल का कलर है ना उसके अनुरूप नहीं उसके अनुसार नहीं है वो मैच नहीं कर रहा है और कुछ मज़ा नहीं आया तो इन कीपिंग विद का मतलब है कि उसके अनुसार तो इन कीपिंग विद द सोसाइटी यानी कि सोसाइटी के अनुरूप आप ड्रेस नहीं पहन रहे हो तो यू आर नॉट वेयरिंग ड्रेसेस इन कीपिंग विद द सोसाइटी वेयर यू लिव तो जहां आप रहते हो सोसाइटी के अनुसार आप ड्रेस नहीं पहन रहे तो इन कीपिंग इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत है उसके अनुरूप इन कीपिंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे करके आप यूज करेंगे तो समझ में आ रहा इन कीपिंग विद ठीक है आगे देखते हैं कैसे देखिए यहां पर आसान सा है कि इन इन अटेम्प्ट टू देखने में तो इजी है बट लोग यूज नहीं करते तो यूज करना शुरू कीजिए इन इन अटेम्प्ट टू ब्लंट क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स हैंडलिंग ऑफ द हाथरस केस अब न्यूज़ जो भी हो मैं आपको सिखाता हूं इन इन अटेम्प्ट टू का इस्तेमाल अब क्या करेंगे तो इन इन अटेम्प्ट टू का मतलब होता है कि उसके प्रयास में जैसे मैं बोलूं कि इन इन अटेम्प्ट टू कन्विंस दैट पर्सन यानी कि उस पर्सन को कन्विंस अपनी तरफ खींचने के प्रयास में आई हैव डन सो मैनी थिंग्स मैंने बहुत कुछ किया है बहुत सारी चीज़ें मैंने करी इन एन अटैम्प्ट टू क्लियर दैट एग्जाम उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के प्रयास में आई एम स्टडिंग अलॉट मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ इन एन अटैम्प्ट टू ब्लंट द क्रिटिसिजम कुछ क्रिटिसिजम है अब उसको ब्लंट करना है यानी कि उस क्रिटिसिज़म को ब्लंट करना है डाउन करना है उसके धार को कम करना है तो इन एन अटैम्प्ट टू ब्लंट द क्रिटिसिजम गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन एक्शन तो गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है क्यों लिया है भाई तो इस प्रयास में लिया है तो ये प्रयास के लिए बोलते हैं इन एन टू कजोल दैट गर्ल उस लड़की को इम्प्रेस करने के प्रयास में आई एम ट्राइंग टू यू नो बी गुड गाय ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं तो इन एन टू का मतलब है किसी चीज़ को करने के प्रयास में तो अपने हिसाब से सेंटेंसेस सोचिए इन एन अटैम्प्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे कमाने के प्रयास में आई हैव कम अप विद लॉट ऑफ आइडियाज सेंटेंसेस बनाइए इन एन अटैम्प्ट टू सेव सम मनी यानी कुछ पैसे जमा करने के प्रयास में इन एन अटैम्प्ट टू मेक माई बॉडी बॉडी बनाने के प्रयास में तो उसके बाद आप एक सेंटेंस को आगे जोड़ेंगे कि आप आगे क्या कर रहे हैं इस प्रयास में आप कर क्या रहे तो आपको दिखाना पड़ेगा तो इन एन अटैंप्ट टू तो, In an attempt to make my viewers happy and content, I am giving beautiful इन एन अटैम्प्ट माई व्यूवर्स है कंटेंट का मतलब एक संतुष्ट भी होता है और एक आपका जो contents वगैरह मैटर है जो भी आप पढ़ाते हैं या जो भी आपका कंटेंट है जो चीज आप देते हैं वो कंटेंट कहलाता है आगे देखते हैं लास्ट है आपका गाइस जैसे लिखा है कि ऑन Tuesday, दो द मुंबईकर वॉज इन नो मूड टू थ्रो स्टार्ट तो देखिए इन नो मूड टू इसका भी स्पोकन इंग्लिश में काफी no मूड मतलब नहीं, no नहीं है एक कप कॉफी लेने का आई एम इन नो मूड टू टॉक टू यू मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का शी इज इन नो मूड टू स्पेंड समाइम विथ मी उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है मन नहीं है मेरे साथ समय बिताने का ओके okay? इस तरीके से आप बनाइए सेंटेंसेस आर यू इन नो मूड टू सेट विद मी क्या तुम उस मूड में नहीं हो कि मेरे साथ बैठो ओके okay? आप इसमें वॉज वर्क भी लगाइए कि शी वॉज इन नो मूड टू कुक फूड उसका ना खाना बनाने का मूड नहीं था यार ये स्टडी आई वॉज इन नो मूड टू मेक वीडियोज कल मेरा वीडियोज बनाने का ना मूड नहीं था ओके okay? My son was in no mood to go to school. मेरे बेटे का स्कूल जाने का मूड नहीं था तो ये इन नो मूड टू ये जो फ्रेज है काफ़ी अच्छा चलता है स्पोकन इंग्लिश में भी तो आप इसका इस्तेमाल करें तो यही थे कुछ फ्रेजेज एवरी वन आई होप कि आपके समझ में आया होगा कुछ ऐसे फ्रेजेज भी मिलेंगे जो शायद रिपीटेड हो मैं कई बार बता चुका हूँ अखबार पढ़ाते समय न्यूज़पेपर पढ़ाते समय बट आप इन इनकी लिस्ट को यूज़ करें रिटर्न इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चिल्दिन टेक केयर कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन थैंक यू गैस